नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श टीम, मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम सीपीआई जिला कार्यालय में मौजूद हैं और अभी बीते सोमवार को एक घटना घटी है, रेप की घटना, जिसमें 8 वर्ष और 10 वर्ष की दो नाबालिग बच्चियों के साथ, महादलित बच्चियों के साथ रेप की घटना घटी है, जिसमें एक 72 वर्ष के पुरुष हैं जिन पर ये घटना का इल्जाम लगा और वो पकड़े भी गए हैं। 4 आदमियों को अरेस्ट किया गया था, उसमें एक के ऊपर साक्ष्य लगा है और वो आजकल पकड़े गए हैं, उन पर ये आरोप लगा है। और एक मंगलवार को एक जमीन था, वो गए थे देखने के लिए अपने जमीन पर, तो वहाँ एक लड़की की मृत अवस्था में वहाँ पर मिली थी और एक लड़की खून से लथपथ पाई गई थी, जिसको एम्स में एडमिट किया गया था और उसके बाद वो खून से लथपथ थी और वो अस्थिर हालत में। इसके बाद इस पर बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप यहाँ जिला सीपीआई के जिला सचिव, तो आपसे आप इस पर क्या रोल लेते हैं? जैसे ही ये खबर मिली हम मंगलवार को, खबर मिली पहुंची, इसी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली, तो हमारे जिला पार्टी की ओर से और महिला आंदोलन की ओर से हमारे दर्जनों साथी गए, उन्हें गए, परिवार वालों से मिले और फिर वहां से गांव वालों को लेकर के लोग थाना का घेराव किए। ये बुधवार की घटना है। मंगलवार को जब वो सब मिला, वो बच्ची मिली, तो बुधवार को बहुत ही बड़े आक्रोश के साथ में, बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण, आम जनता, महिलाएं सभी फुलवारी थाना का घेराव किए और उसमें थाना पर दबाव बनाते हुए लोगों ने, जब तक यह पक्का पक्की आश्वासन नहीं मिला कि 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई होगी और लोगों को मुआवजा मिलेगा, तब तक लोग जमे रहे। लगभग 7-8 घंटे तक का घेराव फुलवारी थाना का हुआ, पूरा पटना अस्त-व्यस्त हो गया और तब अंततः जाकर के SSP पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि हम मात्र 48 घंटा का समय दीजिए, 48 घंटा में हम लोग परिणाम आपको देंगे। तब उसी भरोसे के साथ में हम लोगों ने जाम को वहाँ से हटाने का काम किया और अभी वो आया है सामने, वो तथ्य आया है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, प्रमाणित हुआ है कि वही व्यक्ति किया है और वो हैबिचुअल है, वो लगातार इस तरह की वारदातों करते हैं, रहे हैं। तो ये अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि इस तरह का कोई शख्स कैसे बन जाता है कि लगातार वो उन पर पहले भी आरोप लगाया कि 70 साल की महिला, छोटी कमजोर बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में इस तरह की कार्रवाई करना, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। और कैसे प्रशासन के अंदर में या हमारे इस लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंदर में इस तरह का दुस्साहस कैसे कोई कर सकता है, यह हम लोग सबको सोचने और अपने आप में एक चेतावनी वाली बात है कि इतने तंत्र, इतनी व्यवस्था के बाद भी इस तरह का दुस्साहस लोग कर ले रहे हैं। तो अब आगे यह है कि एक तो उस परिवार को समुचित मुआवजा मिले, हम लोगों ने 50 लाख मुआवजा का मांग किया था कि 50 लाख मुआवजा मिले, दोषियों की पहचान हो, दोषियों की कार्रवाई हो। तब दोषी की पहचान और गिरफ्तारी हुई है, हम उसमें और मुआवजा में हम चाहते हैं कि और बढ़ोतरी हो। और दूसरी बात एक और है कि इस तरह की घटना भविष्य में कैसे नहीं घटे, इस पर प्रशासन को और पूरे समाज को सोचना होगा कि इस तरह की विभत्स, दर्दनाक, अमानवीय और शर्मनाक घटना समाज में दोबारा नहीं घटे, ऐसी व्यवस्था हम सबको बनानी चाहिए और उस दिशा में हम लोग को बढ़ना चाहिए, जिसके लिए सरकार, प्रशासन को और समाज को बहुत सजगता के साथ में ऐसे दरिंदों को कोई भी कार्रवाई वो करें, फौरन उस पर रिएक्ट होना, कार्रवाई करना को चाहिए, तभी जाकर के ऐसी घटना होती है। आप उस घटक में हैं, आप मतलब अलायंस के कार्यक्रम में, तो आप क्या कैसा वहाँ आपको माहौल वहाँ हम गए, जो घटना घटा बिल्कुल इंसानियत को संसार करने वाली घटना है, नहीं वो परिवार के माहौल के बारे में, परिवार में उसके फादर भी नहीं, एक बच्ची थी, उसके फादर भी नहीं है और उसकी माँ दोनों पैर से निकला और उस बच्ची के साथ इस तरह की विभत्स घटना हुई, पूरा गांव जो है कि मर्माहत स्थिति में था। हम लोग वहाँ गए, परिजनों से मिले, उनकी स्थिति को जाना और उनसे हमने सरकार की तरफ से उनका मुआवजा देने की भी बात की और थाना प्रभारी से भी हमने बात किया। थाना प्रभारी जो है कि उस दिन कहे कि हम लोग जो लगे हुए हैं और ऊपर से ही SIT का टीम भी गठन कर दिया गया है, जल्दी ही पकड़े जाएंगे। कुछ लोगों को वहां से उठाया भी गया था जिससे ग्रामीण आक्रोश में भी थे, लेकिन हमने उनको शांत भी कराया और बताया कि देखिए जब तक छानबीन नहीं होगी, तहकीकात नहीं होगी, तो कैसे जो है कि जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी दोषी होगा उसी को सजा मिलेगी, जिसके तहत कार्रवाई चल रही है और घटनाएं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य में इस तरीके का घटना ना हो।
जिसके लिए हमारी सरकार और हम सबों को सोचना होगा कि किस तरीके से हमें जो है कि इतनी सख्त कानून होते हुए भी इस तरीके के लोग निकल जाते हैं जो कि इंसानियत का सरोकार करते हैं। दूसरी एक बच्ची जो एम्स में भर्ती है, हमने उससे भी जाकर के मुलाकात किया था और पूरी तरीके से डरी सहनी है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि 24 घंटे 28 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग। सम्राट चौधरी का क्या काम है, वो विपक्ष में, और विपक्ष का काम ही होता है कि किसी भी चीज़ को हवा देना। उनके यहाँ तो वो गए नहीं, उनके घटना उनके दुख के साथ शामिल नहीं हुए, ना उनके दुख से उनको कोई लगाव है, तो उनको सिर्फ राजनीति करना है, राजनीति करें, केंद्र से लेकर के राज्य तक का राजनीति करें। राजनीति करने में किसी को तो रोका नहीं जा सकता है। बनारस में भी तो घटना घटी है ना, बनारस में जो घटना घटी एक नाबालिग बच्ची के साथ, भाजपा का जो आईटी से जुड़ा हुआ 3 नौजवान को पकड़ाया है, तो सम्राट चौधरी वहाँ भी देखे, उस पर भी अपना कमेंट करें। केवल बिहार, और बिहार में ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं घट रही है, सरकार और प्रशासन हम लोग भी दबाव दे रहे हैं, हम लोग भी मांग कर रहे हैं और अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं। वहाँ तो बहुत मुश्किल से FIR तक नहीं हुआ बनारस में, एक नाबालिग बच्ची के साथ घटना घटा तो, और IT से जुड़े हुए 3 नेता थे, उनका संबंध नरेंद्र मोदी जी से लेकर के वो योगी जी तक था। हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं जितेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि मुआवजे से सिर्फ काम हो सकता है क्या? एक SIT टीम नहीं बन जाए, इससे आपके पार्टी या मगर बनने की बात नहीं करे, ऐसी कोई कड़ा कानून नहीं बन जाए जिससे कोई करने के पहले उसका रूह कांप जाए, इसके लिए ऐसा कुछ कानून नहीं बन रहा? कानून बनना चाहिए, कानून बनाना तो नेशनल लेवल पे। हाँ, इस कानून की बात नहीं कर, सिर्फ कांग्रेस या BJP की बात है, एक कानून नेशनल लेवल पे। हाँ, केंद्र की बात है, लेकिन कानून बने हुए उस कानून को भी तो इस सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त कर रही है। निर्भया के बाद ही तो पॉक्सो एक्ट बना था, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को सजा दिया गया। कानून ये सिर्फ बनाते हैं विपक्षियों के लिए, NIA एक्ट बनेगा जो इनके खिलाफ चला जाएगा उसके लिए बनेगा, UAPA उनके लिए बनेगा जो इनके विपक्ष में होंगे, लेकिन जो अपराधी हैं, आप अपराधी देख लीजिए ना, बिहार में घटना हुई, शर्मनाक घटना है फुलवारी की, और देन एंड देयर हमारे पार्टी के लोग, फुलवारी अंचल, हमारे जिला के लोग, हमारी महिला समाज के लोग और भी यानी दूसरे घटक के लोग वहाँ गए। हम सरकार में, उसके बाद भी हम जो गलत काम होता है उसके खिलाफ आंदोलन में रहते हैं। ये वो जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो आपने सम्राट चौधरी पूछा हमारे अभी हमारे छोटे भाई सदस्य, ये सम्राट चौधरी को ठीक बोला, ये स्मृति ईरानी के साथ फोटो है जो खुलेआम घूम रहा है, सेंगर जो बलात्कारी लगातार घूम रहा है, जोगी बहुत बड़े क्रिमिनल विरोधी हैं, अपराध विरोधी हैं, तो सेंगर कैसे घूम रहा है? हमारे कुश्ती के जो पहलवान हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक लेकर गौरव बढ़ाया, उनके साथ जो किया कुश्ती का, वो ब्रजकिशोर जो सांसद है उनका संसार करने वाली घटना, उनके सम्राट चौधरी नजर नहीं आते हैं उनको? ये सम्राट चौधरी को उन पर क्या होता है, आँख में कुछ पट्टी बन जाती है। घटना विभत्स है, जिसने भी किया हो, वो छोटी बच्ची, बहुत ही विभत्स घटना है, पूरा गाँव मरवाहत है, उस परिवार मरवाहत है, पकड़ा भी गया है, लेकिन वो ठीक बोला हमारे पहले हमारे जिला सचिव ने, इस तरह की घटनाएं होती कैसे हैं, इस पर प्रशासन से लेकर समाज को भी, इसके लिए न सिर्फ वो व्यक्ति दोषी है, हमारा समाज भी कहीं ना कहीं दोषी है जी, हमारा समाज भी, जो समाज बोलने की हिमाकत नहीं करता है, आज वो गांव डरा सामा है, गांव के लोग को उठ जाना चाहता है, ठीक है। तो क्या वजह रही होगी कि सम्राट जी वहाँ नहीं पहुँचे? सम्राट जी वहाँ पहुँचेंगे तो सम्राट जी की दुर्गति हो जाएगी। पहले जो कोर्ट के तर्ज खिलाफ है, जो पूर्व का जो है कई राज्यों में जो घटी घटनाएं हैं जिनको ये सहयोग करते हैं, तो सारी बातें खुल करके आ जाएंगी। इस डर से जो है कि वो नहीं जाते हैं जमीन स्तर पर, ना जाते हैं जनता के बीच, नहीं जाते हैं जनता के दुख और सुख से, उनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करना है और बयानबाजी में ही रहना है उनको, तो ऐसे लोग कहाँ से जाएंगे जमीन पर? जनता के अंदर इन लोगों का कहीं कोई महत्व है क्या? सम्राट चौधरी, मैं अंदरूनी बात बुलाता हूँ, अपने ही पार्टी के अंदर उनके जो विधायक हैं उनको स्वीकार नहीं है, मैं अंदरूनी बात बताता हूँ, राजनीति करता हूँ तो हर जगह। सम्राट चौधरी कहाँ थे, कहाँ से गए? और नीतीश जी के साथ थे ना, फिर लालू जी के साथ आए, फिर नीतीश जी के साथ गए, और फिर BJP जो जिसने उसको बनाया, जो अपने पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, वो जनता के प्रति वफादार होगा, समाज के प्रति वफादार होगा, ये कैसे सोच सकते? उनको पार्टी अध्यक्ष कैसे बना, पार्टी अध्यक्ष बना दिया, ये तो BJP का है, अब अध्यक्ष नहीं रहे हैं, कांग्रेस में भ्रष्टाचारी, उनके यहाँ गया तो सदाचारी दूध का धुला हुआ, और वो तो पार्टी अध्यक्ष बना दिया, बहुत सारे उनके लोग इन्वाइट हैं, नहीं तो है विडम्बना, दूसरे जगह से गया, BJP से गया, तुरंत नेता बन गया। RSS का पुराना कैडर बेचारा अभी तक चप्पल घिस रहा उन्होंने, BJP का पुराना कैडर चप्पल घिस रहा है, ये तो नीति है उनकी, यानी कुछ दे के वहाँ जो दिया, जो चमचे किया, बन गया अध्यक्ष,
लेकिन जो पुराने उनके लोग हैं उनको सम्राट चौधरी बीजेपी में भी स्वीकार नहीं है। असल में राजनीति करना है जातिवाद का, जातिवाद के तहत जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया किसी को तोड़ने के लिए। तो इस तरीका का जातिवादी कार्ड तो जो है कि बीजेपी आरएसएस तो खेलती ही रहती है, इसी के तहत जो है कि सम्राट जी को भी लाया गया है। तो जैसा कि इनका साफ कहना है कि सम्राट चौधरी को जाति का कार्ड खेलने के लिए बीजेपी को का अध्यक्ष बनाया गया, ये ताबड़तोड़ बयान इन्होंने दिया है। और इस तरह के बयान से आगे भी अब इनके तरह कहा गया, पहले भी लोग कहते आए हैं और इस तरह का कार्ड खेलती आई है बीजेपी, इनका खराब तौर पर कहना है। और आप इनका ये भी कहना है कि यूएपीए फिर इसके बाद अभी आप देखते तो जिस तरह सेंगर को और इसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह को जिस तरह से बनारस में आईटी सेल के लोगों पर जो आरोप लगा मोलेस्टेशन का, तो इस तरह बचाया गया। और अगर सम्राट चौधरी चले जाते वहां पे मिलने के लिए परिवार से उनकी उनकी सारी चीजें वहां पे खुल जाती, तो इस तरह के न्यूज में बने रहने के लिए देखते रहे विमर्श। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। ट्विटर हैंडल पे जाकर ट्वीट कर सकते हैं विभिन्न मुद्दों पे, साथ में इंस्टाग्राम पे जाकर रील्स देख सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना।